चलो 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 मैम चलो, एक्टिंग सामने तो करो। अच्छा अच्छा गुड इवनिंग एवरीवन, हम लोग CGO कॉम्प्लेक्स में ही हैं अभी और SSC की ऑफिस के सामने ही हैं और हम लोग DOPT भी होके आ चुके हैं और लोगों ने CGO कॉम्प्लेक्स में अभी SSC की ऑफिस के सामने खड़े हैं। बहुत लंबी बातचीत हुई है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बातचीत हुई। हम 3 टीचर थे और 2 स्टूडेंट थे। जो हमारी मांगे थी उन मांगों में जो माना गया है वो मांगे जो मानी गई है वो बहुत कम मांगे ही मानी गई है। हालांकि मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से मानी गई है, लेकिन उनका जो कहना है उनका ये था कि आज शाम को, आज रात हो चुकी है इसलिए कल दोपहर 12 बजे तक वो कम्प्लीटली इसके नोटिस लेके आएंगे। और अभी SSC ऑफिस में भी हमने कुछ एविडेंस दिए हैं तो इन्होंने भी बहुत अच्छा एश्योरेंस दिया है कि पूरा CBI इस पूरे एविडेंस की इंक्वायरी करेगी। हालांकि जो हमारी मांगे थी उनमें से जो अभी हमें जो एश्योरेंस मिला है वो एश्योरेंस मिला है कि एक कंप्लीट इन्वेस्ट जो जो इनका टेक्निकल असेसमेंट है, जो इनका ऑनलाइन एग्जाम्स जो कंडक्ट कराते हैं, जो इनका CFE है, उनका कंप्लीट असेसमेंट होगा, टेक्निकल असेसमेंट होगा जब से ये ऑनलाइन एग्जाम शुरू हुआ है तब से। इसका मतलब है कि हम जो चाह रहे थे कि CGL, CHSL, MTS वगैरह सब का कंप्लीट हो, वो कंप्लीट होने जा रहा है, पहली चीज़। दूसरी बात है कि इन्होंने जो खुद अपने तरफ से सजेशन दिया है, उन्होंने दिया है कि ग्रीवान सेल बनाया जाए और उस ग्रीवान सेल में जो भी हमारे पास सबूत होते हैं, बच्चों के पास सबूत होते हैं, वो वहाँ पहुँचाया जाए SSC में, ताकि ये जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन हो सके बच्चों के बीच में और बच्चे और SSC के बीच में, और उनके बाद फिर उनकी इंक्वायरी प्रॉपर कंप्लीट इंक्वायरी होगी। ये 2 चीज़ें हैं जो इन्होंने हमें काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया। साथ में इनका ये कहना था कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा पुख्ता कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट, कि सारे जितने लूप्स एंड होल्स हैं उनको ख़त्म किए जाएं, इसीलिए इस पर काम शुरू हो रहा है। और बेसिकली जो CBI इंक्वायरी था, CBI इंक्वायरी ऑलरेडी अपना इंक्वायरी स्टार्ट कर चुका है और अगर CBI इंक्वायरी करेगी तो वो उसमें वो भी देखेगी कि किस किस एग्ज़ाम्स के साथ इन पेपर कंडक्ट कराने वालों का या इन लीक कराने वालों का कनेक्शन है, और उसके बाद उसमें भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो अभी मुझे SSC चीफ ने खुद भी एश्योरेंस दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब ये CBI ने ऑलरेडी ये इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है। आप जो भी हमें देंगे सबूत हम CBI तक पहुंचा देंगे। और जो DOPT से हमें एश्योरेंस मिला है कि कल 12 बजे तक हमारे फेवर में कुछ पॉइंट्स के साथ वो नोटिस निकाल देंगे। आज बहुत अच्छे से उन लोगों ने सुना है, हमें 1.5 घंटे तक सुना है, इतना ज़्यादा पेशेंटली सुना है, हमें अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया है और वो कल 12 बजे तक अपने डिसीशन लेके वो अपने साइट पे कुछ ना कुछ नोटिस लेके आ जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। जैसा मैडम ने अभी चीज़ें बताई, चूँकि CGO कॉम्प्लेक्स में के सामने जो बच्चे हैं वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या है, करीबन 15-16 हज़ार बच्चे हैं और माइक की व्यवस्था है नहीं कि आप सब बच्चों तक हम अपनी बात पहुँचा पाएँ, तो इसलिए मैडम लाइव आई अभी और उन्होंने चीज़ें बताई। हम पहले यहाँ पर जो CGO कॉम्प्लेक्स के सामने से हम DOPT गए, वहाँ हम होम सेक्रेटरी साहब से मिले, उनके सामने सारी बातें रखी। हमारा उद्देश्य ये था सिर्फ और सिर्फ कि जो सिस्टम है ये पूरा इम्प्रूव हो, अच्छे से काम करें, जो बच्चों का कॉन्फिडेंस डाउन है इस समय वो बूस्ट अप हो। उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट में कही कि जैसे अभी हमने रखा कि जितना भी 2016 जब से ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से इसका टेक्निकल असेसमेंट होना चाहिए, तो उन्होंने उसको स्वीकारा है। लेकिन मौखिक रूप से उन्होंने कहा कि ठीक है, जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तब से सभी एग्जाम का टेक्निकल जो होगा ऑडिट होगा और जो असेसमेंट जो होता है उसको वो करेंगे पूरे का पूरा। हमने साथ के साथ ये चीज़ रखी कि बहुत सारे सेंटर्स पे बच्चों के साथ दिक्कत आती है कि बच्चे पेपर दे रहे होते हैं और बगल में उनकी चीटिंग हो रही होती,
वो बच्चे सेंटर में पूरा विरोध भी जताते हैं, लेकिन वहाँ पर उन बच्चों की आवाज़ सुनी नहीं जाती है। थाने में जाते हैं तो कोई FIR नहीं कटाई जाती, वहाँ पर जो पुलिस टीम होती है वो उतना टेक्निकली साउंड नहीं होती कि उस कंप्लेंट को सही से समझ पाए, तो हमारे बच्चे इसी तरह से परेशान होकर घूमते रहते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को भी स्वीकारा है और ये कहा है कि हम इसे कल लिखित देंगे कि हम एक ग्रीवांस सेल तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा तो है कि हम कल से ही उस पर काम करेंगे, लेकिन शायद 2-3 दिन में हो जाएगा। आज बात थी लिखित लेने की चीज़ों की, तो वो ग्रीवांस सेल भी रिपोर्ट देंगे जिसमें हर बच्चा जिसके साथ एग्जामिनेशन सेंटर पर जो भी दिक्कतें हुई हैं वो आके अपनी सारी चीज़ें बताएं, साथ के साथ उसके साथ जिन जिन चीज़ों में अनजस्टिस होने लग रहा है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। अभी बहुत सारे बच्चे अलग अलग मिलते हैं कि केस फाइल करिए सर, और बहुत सारे बच्चों की अलग अलग दिक्कत होती है एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें भी रिमूव करने की उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि हम इस पर पूरा ग्रीवेंस सेल बनाएंगे, वो हर एक चीज़ पर कार्रवाई होगी, हर एक चीज़ की जानकारी दी जाएगी। तीसरा हमारा था कि जो CBI इंक्वायरी हो टाइम बाउंड पे हो, कि बहुत जल्दी से हो, ऐसा ना हो कि तब तक बच्चा परेशान रहे और बैठा रहे आप सब चीज़ें बनकर। तो उस पर भी उन्होंने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। लिखित अभी हमें कुछ नहीं मिला है, लिखित आज होना था, काफ़ी लेट हो गया, तो उन्होंने कहा कि हम कल 12 बजे इस चीज़ को इश्यू कर देंगे। और बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस हुआ कि कैसे जो इरेगुलरिटीज़ हो रही है, एक हमारा पॉइंट ये डिस्कस हुआ कि आप छोटी छोटी जगह पर सेंटर डाल देते हैं, तो उस छोटी छोटी जगह पर जो सेंटर पड़ जाता है तो वहाँ पर हम क्रेडिबिलिटी को कैसे मान लें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये हम मानते हैं और इसीलिए हम उसका पूरा असेसमेंट कर रहे हैं। जब से CP को ये दिया है तो पूरे ऑनलाइन एग्जाम का असेसमेंट होगा, साथ के साथ हर जो भी सेंटर होगा, जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा, हर एक जगह पर जो गवर्नमेंट इन्विजिलेटर होगा वो ज़रूर जाएगा हर एक सेंटर पे, जो अभी तक नहीं जा रहा था, हर सेंटर पे गवर्नमेंट की तरफ से एक आदमी जाएगा जो उसको देखेगा वहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, करीब 1.5 घंटा वहाँ ये मीटिंग चली और हम सब लोगों ने इस चीज़ को बहुत पुख्ता रूप से उठाया। हमारे साथ बच्चे भी थे तो इन्होंने भी पुख्ता रूप से उठाया, नीतू मैडम ने बहुत अच्छे से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया, हमें भी जैसी समझती हमने अच्छे से रिप्रेजेंट करके दिया है और अपनी सारी बातें रखी और हमने यहाँ तक समझा दिया था कि ये जो बच्चे हैं ये MTS के भी बच्चे हैं, CHSL के बच्चे हैं, CGL के बच्चे हैं और भी एग्जाम के बच्चे हैं जो SSC कंडक्ट कराता है। तो सभी एग्जाम में हमें कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी चाहिए, बच्चों के साथ जस्टिस होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ये बच्चा है जो हमारे साथ गया था, ये शायद आपको कुछ कहना चाहता है, तो आप इसे। जो हमारी मीटिंग हुई उसमें बहुत पॉजिटिव, मतलब अच्छे से सुना, सबको टाइम दिया, सबके क्वेश्चन आराम से पुट अप हुए, और वहाँ पर जो सर ने अभी बताया, मैम ने बताया कि 3 पॉइंट जो मान्य हैं वो बहुत अच्छे पॉइंट हैं, लेकिन जो अभी मतलब बैठे हुए सारे भाई कि CBI जांच ही हो MTS, और उस पर अभी कोई आश्वासन हमें मिला नहीं है, और इन सब चीज़ों पर भी बस यही। थैंक यू। और दूसरा, हमने जो चीज़ें रखी हैं चाहे वो CBI इंक्वायरी हो कुछ भी हो, उस पर हमें अभी लिखित कुछ नहीं मिला है, इसलिए आप ये मत सोचिए कि चीज़ें हमें लिखित मिल गई और हम अपने हाथ में लेकर आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ आश्वासन दिया है और कल के लिए हमें टाइम दिया है, तो उसके लिए आप वेट करिए थोड़ा सा और देखिए कि कैसे क्या किया जाए चीज़ों पे। और कल हमें 12:30 बजे का समय दिया गया है, तो अभी ये SSC कर्मचारी चयन आयोग है, और अभी आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? तो बच्चों अभी हम अपनी बात अब बच्चों के बीच में भी आके रख रहे हैं, चूंकि इतने बच्चे हम रख नहीं पाएंगे इसलिए हमने रखा। मैं एक बार फिर अपनी बात रिपीट करता हूँ, हमें सिर्फ आश्वासन मिला, अभी लिखित कुछ नहीं मिला है। बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी रहीं, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं, तो कल का वेट करते हैं कि उनकी तरफ से लिखित क्या मिलता है। जब तक चीज़ें लिखित नहीं होती हम कुछ भी मानते नहीं, हम तो ये मानते हैं कि फिर हमारा रिजल्ट 0 रह गया अगर लिखित में कुछ नहीं मिलता है। तो कल जब चीज़ें लिखित आएंगी तब देखेंगे क्या करना है क्या नहीं।